शनाया, तुम्हें शर्म नहीं आई चीटिंग करती हुई? बेटा ये तो तुम्हारा आज फर्स्ट एग्जाम था, तुम्हारी इस हरकत की वजह से स्कूल वालों ने तुम्हें सस्पेंड कर दिया है और अब तुम्हारे बाकी सारे एग्जाम में जीरो मार्क्स लगेंगे और अब तुम फेल हो जाओगी। मुझे फेल नहीं होना प्लीज, मैंने टीचर से बात कर लो। ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम चीटिंग कर रही थी। लेकिन मम्मा मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई हुई थी। तो तुम्हें ठीक से पढ़ाई करनी चाहिए थी ना। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में तो ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो मेरी आदत छूट गई। बेटा जी मगर अब तो स्कूल खुल गए हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। पर आप हमेशा ऑनलाइन क्लासेस से क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या करूं मैं इस लड़की का? उन्हीं मुझे लगता है ये पढ़ाई की प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उन्हीं इसको लगता है ऑनलाइन क्लासेस की आदत पड़ गई है, इसीलिए इससे ऑफलाइन क्लासेस हो ही नहीं रही हैं। आप ठीक कह रहे हो रमनी, तो करें क्या? हमें उसकी ऑनलाइन क्लासेस की आदत को छुड़वाना पड़ेगा, किसी तरह से उसको वापस ऑफलाइन क्लासेस की तरफ मतलब मोटिवेट करना पड़ेगा। और इसके लिए तुम दोनों का भी मुझे हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ जी पापा। ओके पापा। ठीक है मैं जा रहा हूँ शनाया के स्कूल और प्रिंसिपल से बात करता हूँ कि इसको एग्जाम देने दें। ठीक है। Later. शनाया बेटा मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे प्रिंसिपल को कन्विंस किया है कि तुम्हें इस बार एग्जाम देने दें, बस तुम्हें अब दिल लगा के एग्जाम्स देने हैं। क्या करूँ पापा, दिल ही तो नहीं लगता ना। बेटा इतने टाइम बाद हम इस लाइफ में वापस आए हैं, एडजस्ट हो जाओ ना। शनाया ये जो ऑनलाइन क्लासेस थी ये तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये जो ऑफलाइन क्लासेस है स्कूल जाना ये परमानेंट है। आप सब लोग ठीक कह रहे हो, एक्चुअली मेरी गलती है, मैंने कभी ऑनलाइन पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दिया और ऑनलाइन एग्जाम्स को भी सीरियसली लिया ही नहीं। हाँ इसी वजह से आपको आज दिक्कत आ रही है। काश मैं भी अनन्या दीदी की तरह ऑनलाइन एग्जाम्स में ऐसी मेहनत करी होती। तो अब कर लेना, मैं तेरी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, अब मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी और अपने सारे एग्जाम्स दूंगी। ये हुई ना बात। Later. Later. मम्मा रिजल्ट आ गया? नहीं बेटा अभी नहीं आया, बस चेक ही कर रही हूँ। अरे जल्दी देखो यार। आ गया। शनाया यू गॉट 60% बेटा। अरे शाबाश, शुक्र है शनाया पास तो हो गई। मम्मा मेरे कितने आए? देख रही हूँ बेटा। अनन्या यू गॉट 89%, गुड जॉब। अरे वाह वेरी गुड बेटा, इसे कहते हैं मेहनत का नतीजा। मम्मा मेरे कितने आए हैं? देख रही हूँ बेटा, सियान आपके आए हैं 65%, आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। सियान थोड़ी सी जरा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, शनाया के साथ बहुत नॉटी करते रहते हो आप। ओके पापा। ये क्या मुसीबत है, सुबह जल्दी उठो, स्कूल जाओ, क्लासरूम में बैठो और चीटिंग भी मत करो। काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें स्कूल ही न जाना पड़े, मजा ही आ जाएगा। चलो शुक्र है शनाया पास तो हो गई, नहीं तो मुझे तो डर लग रहा था कहीं उसे क्लास रिपीट ना करानी पड़ जाए। रमी शनाया पास तो जरूर हो गई, बट बात यहाँ सिर्फ पास होने की नहीं है, उसका दिमाग एक ही जगह पे अटका हुआ है कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। क्या और क्या तो अब? पर ये गलत है ना रमनीक, हम उसको कब तक पुश कर करके एग्जाम दिलवाते रहेंगे, कब तक टीचर से बात कर करके उसको पास करवाते रहेंगे, ये तो गलत है। Later.
सिट डाउन। ओके चिल्ड्रन, आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। क्या है मैम? नेक्स्ट मंथ हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है एनुअल डे फंक्शन। वाओ, एनुअल डे? यस बेटा जी, एंड अब आप लोग मुझे सब बता देंगे कि किस किस एक्टिविटी में आप पार्ट लेना चाहते हैं। आप सब मुझे कल तक लास्ट बता देना किस किस एक्टिविटी में आप पार्ट लेना चाहते हैं। मैम कौन कौन सी एक्टिविटीज है? वेरी गुड क्वेश्चन अनन्या बेटा। डांसिंग, सिंगिंग, प्ले, बहुत सारी एक्टिविटीज है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। मैं तो डांसिंग में पार्ट लूंगी। मैं तो सिंगिंग के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा। वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड सियान, आई लाइक योर एंथुसियाज्म। शिनाया, आप किस में पार्टिसिपेट करोगे? एनुअल डे फंक्शन। मैम कोई ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं है क्या? व्हाट, ऑनलाइन एक्टिविटी? व्हाई, शी वांट्स एन ऑनलाइन एक्टिविटी। लेटर। और शिनाया क्या हो रहा है? पापा मुझे नहीं पार्ट लेना इस एनुअल डे में। क्यों बेटा, पर आपका तो इतना मन था डांस में पार्ट लेने का। लेकिन मम्मा सारा सारा दिन तो डांस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी हो तो इतना इजी हो जाता है। शनाया सोचो, सारा दिन डांस प्रैक्टिस होगी, इतना मजा आएगा, पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, आप दो दिन प्रैक्टिस करके देखो, अगर मजा नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। चलो ठीक है। The next day. Okay, children, आज हम सीखेंगे डांस। Are you ready? Excited? Yes, ma'am. Okay, let's do this. The next day. Music. Ma'am. Yes, Shanaya, क्या हुआ? Ma'am, आपने गलती कर दी। क्या? कल आपने ये वाला step ऐसे नहीं सिखाया था। फिर कैसे सिखाया था? आपने ऐसे सिखाया था। ये वाला। I think she is right. I'm sorry, I did a mistake. Let's continue. थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। दिवाली सेलिब्रेशंस एंड डेकोरेशंस वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग पे। गाइस फेस्टिव सीजन आते ना, मुझे तो बहुत मजा आता है गाइस। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी डेकोरेशन दी। क्लिक 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 क्लिक।